नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, किस तरीके से हम लोग एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे एक टाइमर को ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार देखे हैं जब कोई टीचर ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो इनमें जैसे ही आपका क्वेश्चन प्रोवाइड होता है उसके साथ साथ राइट हैंड साइड में टॉप पे या बॉटम पे या मिड पे देखिए इस तरीके की आपका टाइमर रहता है। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका क्वेश्चन सामने आता है साथ ही साथ आपका टाइमर चलना स्टार्ट करता है। तो इधर मैं एक प्रीव्यू के सहारे मैं दिखा देता हूँ। तो पहले मैं एनिमेशन पे जाऊँगा और प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं जैसे ही आपका क्वेश्चन आया है साथ ही साथ देखिए इधर आपका टाइमर चलना स्टार्ट हो गया है। तो किस तरीके से हम लोग सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की यूज करके इसको ऐड कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। ओके, सो पहले मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। अब दोस्तों चले जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन पे। ओके, अब मैं शेप्स पे क्लिक करूँगा। तो इधर है देखिए एक नॉर्मल रेक्टेंगल और इसके साथ ही साथ है देखिए एक रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स। ओके, तो मैं रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स को प्रेफर करता हूँ। आप चाहे तो सिर्फ नॉर्मल रेक्टेंगल को भी ले सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से मैं पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। ओके, अब फ्रेंड्स इसके ऊपर आप लोग एक येलो पॉइंट देख पा रहे हैं। इस येलो पॉइंट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करके इस राउंडेड पोर्शन को आप लोग घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ओके, तो मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग चले जाएंगे शेप स्टाइल्स पे। तो इसके ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं देख पा रहे हैं बहुत सारा शेप्स है, तो इनमें से मैं इसको चूज कर ले रहा हूँ। ओके, आप चाहे तो शेप फिल पे जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं, तो मैं ब्लैक कलर को चूज करता हूँ। ओके, अब दोस्तों चले जाएंगे शेप आउटलाइन पे। अब इनमें जाके मैं ग्रीन कलर को चूज कर लेता हूँ। ओके, अब दोस्तों इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा और इसके ऊपर मैं डिजिट टाइप कर लूँगा जैसे कि 05। ओके, अब दोस्तों मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा और इसका जो साइज है उसका साइज इंक्रीज कर दूँगा। ओके, आप चाहे तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, देखने में बढ़िया लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका आ गया है। अब दोस्तों चाहे तो इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, तो देखिए एक डिजिटल वॉच में जैसा आपका लुक आता है उस तरीके की लुक आपका आ जाएगा। ओके, अब दोस्तों इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, तो मैं रेड कलर कर देता हूँ और भी बढ़िया लगेगा। ओके, अब दोस्तों क्या करेंगे, एनिमेशन पे चले जाएंगे। तो एनिमेशन पे जाके देखिए इधर हम लोग क्लिक करेंगे मोर पे। ओके, तो मोर पे आप लोग देख पा रहे हैं एंट्रेंस एनिमेशन है, उसके साथ देखिए एम्फेसिस एनिमेशन है एंड एग्जिट एनिमेशन है। तो इनमें देखिए एग्जिट एनिमेशन पे डिसअपीयर है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, आप चाहे तो दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं बट मैं यही प्रेफर करूँगा। ओके, दोस्तों यहाँ पर आप लोग ड्यूरेशन देख पा रहे हैं, तो ड्यूरेशन में मैं क्लिक करके इसको 1 सेकेंड कर लूँगा। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और इसको हम लोग पेस्ट करेंगे। अब दोस्तों देखिए पेस्ट में 2 ऑप्शन है, पहला वाला जो ऑप्शन है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब दोस्तों इस 5 के जगह पे हम लोग ले लेंगे 4। ओके, फिर से हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। ओके, अब दोस्तों 5 पे जगह पे हम लोग ले लेंगे 3 को। ओके, फिर से पेस्ट कर लूँगा, 5 के जगह पे मैं ले लूँगा 2, फिर से मैं पेस्ट कर लूँगा। अब दोस्तों इसको हम लोग ड्रैग करके इधर लेकर आएंगे। ओके, और इसके बाद देखिए 2 को ड्रैग करके इसके ऊपर रखेंगे, बट देखिए जो 2 है आपका पीछे चला जा रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट को क्लिक कर लेंगे। ओके, तो देखिए अब ये सामने आ गया है। अब दोस्तों इसके ऊपर हम लोग रख देंगे। ओके, अब दोस्तों 3 के ऊपर भी फिर से वही काम करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे और 2 के ऊपर हम लोग इसको रख देंगे। ओके, अब फ्रेंड्स फिर से 4 के ऊपर मैं राइट क्लिक कर लूँगा और ब्रिंग टू फ्रंट कर लूँगा और इसको मैं 3 के ऊपर रख दूँगा। ओके, अब दोस्तों 5 के ऊपर फिर से राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगा और 4 के ऊपर रख दूँगा। ओके, अब दोस्तों आपका जो टाइमर है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन पेन पे जाएंगे।
एनिमेशन पेन पे जाके जो नंबर 2 है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर लूँगा। और देखिए इसके ऊपर ऑप्शन है स्टार्ट ऑन क्लिक, स्टार्ट विथ प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, तो मैं इधर स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस सिलेक्ट कर लूँगा। फिर से मैं इसके ऊपर जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस को सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, फिर से इसके ऊपर जाऊँगा, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस को सिलेक्ट कर लूँगा, इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करूँगा, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस को सिलेक्ट कर लूँगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपका जो टाइमर है रेडी हो चुका है। अब फ्रेंड्स जाएंगे स्लाइड शो पे, फ्रॉम करंट स्लाइड। अब दोस्तों जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ओके,